कंपोजर तो था जिसम टू से अभी तक, और ये पहली बार कपूर एंड सन्स में मैंने गाया साथी रे मेरा ही गाना, और अभी दूसरी बार दरिया इन बार बार देखो। तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग एक्चुअली। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मेरे गाने काफ़ी सारे सिंगर्स ने गाए हैं अब तक, बट करण सर चाहेंगे कि मैं ही गाऊँ, वो मुझे पता नहीं था। जब उन्होंने बोला है वो सरप्राइज। एंड अजीम दयानी जो इस फिल्म के म्यूज़िक सुपरवाइज़र हैं, कपूर एंड सन्स के भी थे, इन दोनों ने एक साथ सबको जब पसंद आया तो आई वॉज कॉन्फिडेंट टू गो अहेड विद इट। इट्स मोर लाइक विंडिकेशन, नॉट प्राइड आई थिंक। जो मैंने पहले सोचा था, जो जो वॉट आई स्टिल थिंक दैट आई एज एन आर्टिस्ट एवरीबडी माइट लाइक माई सॉन्ग, तो जब एक समबडी लाइक महेश भट्ट साहब या करण जौहर सर, व्हेन दे टेक योर फिल्म सॉन्ग इन देयर फिल्म, यू फील एक्चुअली यू फील वेरी हैप्पी। बिकॉज वैसे टाइप के बैकग्राउंड से मैं हूँ नहीं, मैंने हिंदी गाने काफ़ी लेट सीखे जिंदगी में, पहले सिर्फ आई ओनली न्यू वेस्टर्न म्यूजिक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। तो येस, ऑब्वियसली आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू करण सर फॉर एन एक्सेलेंट एंटरटेनमेंट फॉर लाइकिंग माई सॉन्ग। सॉरी, टर्निंग पॉइंट आई डोंट नो, मुझे लगता है कि वो डेब्यू मिलना भी बहुत बड़ी बात है, जिसम टू जैसे फिल्म का पहली फिल्म होना बड़ी बात है, तो वो एक पहला बहुत इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट। और अभी अगर आप कहें हिट्स के बारे में, तो शायद ये तेरे संग यारा इतना पॉपुलर हुआ है और इतना ज़्यादा कवर्स, इतना ज़्यादा प्यार सब जगह से, दुनिया भर से मैसेजेस, और ये नंबर वन सब जगह, तो इतना ज़्यादा हिट शायद मेरा कोई गाना नहीं हुआ इससे पहले, तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इट्स अनदर टर्निंग पॉइंट। आज से करीब 1.5 साल पहले मैं अजीम दयानी से मिला और फिर करण जौहर सर से मिला, तो मेरे कुछ 3-4 गाने उनको बहुत पसंद आए। पहला गाना जो मैंने साइन किया उनके साथ वो था दरिया, फिर एक्सेल एंटरटेनमेंट में रितेश सर इन लोगों ने सुना तो उनको भी बहुत पसंद आया। नित्या मेहरा जो कि बार बार देखो के डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी, उनको भी गाना बहुत पसंद आया, और किसी ने कोई चेंजेस नहीं मांगे एंड दे रियली वांटेड टू यूज़ द सॉन्ग एज इट वाज। तो आई फील दैट्स ओके, यू आल्सो कंपोज द सॉन्ग। या ये कैसे हुआ, क्या उन्होंने ये भी कहा कि आप ही कंपोज करें, आप ही गाएं? बेसिकली हाँ, एक्चुअली बेसिकली वो जिसम टू जब मेरी पहली फिल्म थी, उसके बाद से मैंने अब तक सिर्फ कंपोज ही किया है मोस्टली, और मैक्सिमम मेरे गाने मैंने लिखा है जिसम टू में, या अल्लाह वारिया या नियारिया, या आज फिर तुम पे प्यार आया, या मेहरबानी, शौकीन्स, फिर जज्बा में कुछ गाने थे, पानी वाला डांस। तो एक्सेप्ट 2-3 सॉन्ग्स, मोस्ट ऑफ माई सॉन्ग्स आई हैड रिटन। देन आई मेट मनोज मुंतशिर एंड टुगेदर वी रोट साथी रे। आई मीन बहुत ही कम मैं लिख पाया था, तो ही रोट इट ब्यूटिफुली, तो उनके साथ मैं इतना कंफर्टेबल हुआ कि जब रुस्तम के, तो वो ऑलरेडी सोलो लिरिसिस्ट थे, और तेरे संग यारा के लिए हम बैठे, फिर से उन्होंने मेरे लिए लिखा। और दरिया गाना एक्चुअली मैंने जैसा लिखा था उसके बाद कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो उनको पसंद आया लिरिक्स, सबको पसंद आया, तो एक्चुअली बहुत कम होता है कि वॉइस, लिरिक्स एंड कॉम्पोजिशन ऑल थ्री, बट ऐसा कोइंसिडेंटली हो गया, मतलब इस प्लान नहीं था ऐसे। ओके, नाउ सॉन्ग विल बी पिक्चराइज ऑन सिद्धार्थ एंड कैटरीना कैफ। या यू नो, अक्षय कुमार के लिए रुस्तम में, अब यू नो आपको लग रहा है आप कहीं एकदम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और जब गाना बाहर आएगा और पिक्चराइजेशन विजुअल लोग देखेंगे तो और भी ज्यादा असर पड़ेगा। आई होप सो, क्योंकि एक छोटी सी चीज़ भी है, इसका वीडियो इतना प्यारा है तेरे संग यारा का, बहुत ही खूबसूरत वीडियो, तीनू देसाई जो डायरेक्टर है उन्होंने शूट किया है, लेकिन ऑडियो का भी लाइक इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है, सो मेनी हिट्स ऑन द ऑडियो जो कि फुल सॉन्ग है। दरिया को भी इतना प्यार मिला है वीडियो निकलने से पहले ही, वी आर होपिंग कि सबको वीडियो पसंद आए। नित्या मेहरा इज़ अ फैंटेस्टिक डायरेक्टर एंड देव कट ऑल द वीडियोज़, जो भी अब तक आया है सारे वीडियोज़ इतने प्यारे हैं, सो आई होप दैट वो सेम चीज़ होगा, सबको उतना ही पसंद आएगा। ओके, फिल्म के अंदर लोगों के अंदर फिल्म को लेकर बहुत एक्साइटमेंट है, संगीत को लेकर बहुत एक्साइटमेंट है, कैटरीना कैफ, सिद्धार्थ मल्होत्रा को लेकर एक्साइटमेंट है। हाउ डू यू सी दिस यू नो एक्साइटमेंट अमंग द फैंस, अमंग द फिल्म क्रिटिक, अमंग द जर्नलिस्ट फॉर द फिल्म, दो इट इज मोस्ट अवेटेड फिल्म? हाँ करेक्ट। नो, एक चीज़ तो है कि ये म्यूजिकली एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि एल्बम बहुत वर्सेटाइल है,
नए नए सिंगर्स हैं एंड नए कंपोजर्स हैं, और काफ़ी सारा डिफरेंट स्टाइल्स हैं। अमाल का गाना भी अलग है, जसलीन के भी अलग है, काला चश्मा अलग है, मेरा गाना अलग है, बिलाल सईद का खैर मांग दी। तो ये जो एक एक साथ एक मिक्स ऑफ म्यूज़िक, तो वो बहुत इंटरेस्ट दे रहा है। शायद रिव्यूज़ जो लिख रहे हैं जर्नलिस्ट, उनको क्यूरियस कर रहा है। एंड द वीडियोज़, द विजुअल्स आर सो नाइस ऑफ द फिल्म दे, एंड द स्टोरी भी थोड़ा अलग है। मुझे लगता है हिंदी फिल्मों के नॉर्मल स्टोरीज जैसे होते हैं वैसे नहीं है, टाइम ट्रैवल है इसके अंदर, टाइम लैप्स से काफ़ी सारा। तो आई थिंक एवरीबॉडी इज क्यूरियस, और मैं तो वेट कर रहा हूँ फिल्म देखने के लिए, तो शायद आप भी देखिए, सब लोगों को मजा आएगा। नेक्स्ट थिंग, पहली बार मैंने किसी और कंपोजर के लिए गाया है फिल्म तुम बिन टू में, अंकित तिवारी कंपोजर है। तो अंकित ने पहले मेरे लिए गाया है, लेकिन पहली बार मैं अंकित के कंपोजिशन पे गा रहा हूँ। और मेरा फर्स्ट इंग्लिश सिंगल इस साल निकलेगा अक्टूबर में फ्रॉम लॉस एंजलिस। तो ये दो चीज़ें के लिए आई होप यू गाइस, योर लव एंड ब्लेसिंग्स आर विथ मी, एंड आई होप यू लव इट एज मच। थैंक यू सो मच। माइक है, आवाज आ रही। ओ करम खुदा आया है, तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा।